सिंध के सबसे बड़े मैनमेड जंगल में आज हम रात गुजारने वाले हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, जंगल ही है ना। मंगल तो हम मनाएंगे, बॉनफायर करेंगे, लाइव कुकिंग करेंगे और बेसुरी आवाज में आपको गाने सुनाएंगे। इस जहां में एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। वो अलग बात है कि हमारी बेसुरी आवाज सुन के जानवर नाराज ना हो जाए। और मैं इस जंगल ट्रिप में ग्रुप 3 के साथ जा रहा हूँ और स्क्वाड के मेंबर्स हैं मलक अखलाक, दी सुपरमैन, खुरम भाई, CEO दीपिक चिप फिल्म्स, इस काम पे लगा दिया, एंड खुरम इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसको उर्दू में कहते हैं चड्डी फ्रेंड, और तीसरे शख्स हैं अहमद अली रिजवी साहब। जी अहमद भाई, मेरा नाम अहमद अली रिजवी है। मैंने एक शिकारी घराने में आंख खोली, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। भाई आप लोग 3 Idiots देखी ना, 3 Idiots में वो जो फरहान था बंदा, वो उसको इंजीनियर नहीं बनना था, उसको बनना था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो अहमद भाई एक प्रोफेशनल और पैशनेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। कहानी की स्टोरी का आगाज खुर्रम के घर से होता है, जहां वो तमाम ग्रुप 3 के लड़कों का इंतजार कर रहे हैं। और बात सीधी सीधी ये हो रही है कि हम सब खुर्रम के घर से खुर्रम की कार में जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल हमारा तो नहीं है। 16,010 रुपए सिक्का राजुल वक्त डीजल भरवाना, पुश दबा के गाड़ी में कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। हमारी डेस्टिनेशन है पाई फॉरेस्ट, जो कि सखरण में मौजूद है और यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। और ये सफर जो जर्नी है हमारी तय होगी ग्रुप 3 के मेंबर्स के साथ। और आगर का सदाबहार आगे नाश्ते के लिए। कुदरत देंगे यार, अल्लाह की, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, रेड भी है। अरे अरे खजूर का दरख्त, स्विचिंग हो गई, स्विचिंग। आखिरकार पाई फॉरेस्ट आ गया। ये नेशनल हाईवे चल रही है, मेन नेशनल हाईवे के पे ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? रफीक साहब के लाला। So high, I might never come down. So what? This is my lifestyle. Wait a minute. क्या कह रहे हैं? ये सफेदे के पत्ते, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट हो और उसको वो पंप ना मिले, उसका क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और उसको कहीं दौरा पड़ जाए, सांस ना आ रहा हो, उसके पत्ते पकड़े, उसको मस लें और उसको सूंघ लें, उसको फौरी बच जाएंगे। ये गार्डन है इसका, लॉज का, अमेजिंग यार, इंतहाई कोई ऑर्गेनिक जगह है। ये जंगल इतना बड़ा है कि एक वक्त में यहाँ पे घूमना नामुमकिन है। बाकी इंशाल्लाह फजर पे उठेंगे और फिर कुदरत के जो हसीन नज़ारे होते हैं और जो मौसम होता है ना, उस वक्त यहाँ पे घूमे फिरेंगे। क्योंकि ये फॉरेस्ट है तो यहाँ हम दरख्तों के नीचे जब बैठेंगे तो चांसेस हैं कि परिंदे हमारे बहुत करीब आ जाएं। अहमद भाई कैमोफ्लाजर है। आज हम पेयर फॉरेस्ट आए हैं यहाँ पे। भाई कहाँ जा रहे हैं बता के तू जाए। हम तीतर की तलाश में निकले, तो शाम का वक्त है तो चांसेस है कि हमें आगे तीतर मिल जाए। दो आगे तीतर, एक साथ तीतर, एक बटे इतने में से दो। चले भाई, चले जल्दी आइएगा। इतने ऑर्गेनिक माहौल में बैठे हुए और मलिक भाई कुछ बता रहे पूरम भाई को, बड़ा होता तो नीचे आ ही नहीं सकते। खुदा की तखलीक के बारे में बता रहे, यहाँ पे नेचर ऐसी रिवील हो रही है ना, हर जगह से परिंदों की आवाज आ रही है और पीछे जानवर मौजूद हैं। बाकी ऐसा लॉज ऐसे फॉरेस्ट के अंदर होना किसी नेमत से कम नहीं है। और ये इतनी बेहतरीन लोकेशन पे और इसकी जो मेंटेनेंस है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर हुई हुई है। सो वी आर लकी टू बी हियर।
और बेस्ट पार्ट ये है कि इस लॉज के आगे पूरे एक गार्डन बना हुआ है जहाँ आप बैठ सकते हैं, बेंचेस वगैरह लगाएंगे बच्चों को खेलने के लिए, झूले। आई हैव नो आइडिया कि फैमिलीज इतनी फ्रीक्वेंटली यहाँ आती हैं कि नहीं आती, लेकिन लॉज मौजूद है तो मेरे ख्याल से तो आती होंगी। अभी बिल्कुल लॉज के सामने हम यहाँ पे कुकिंग करने वाले हैं, यहाँ पे गड्ढा वगैरह खोदेंगे। खुर्रम भाई और मलिक के खिलाफ ने कुछ सोचा हुआ है खाना यहाँ पे, जो कि इधर चिकन को दफन करके कुछ बनाने वाले हैं। और एज यूजल हम सिर्फ ज़बानें लाएंगे और खा भी लेंगे यार। क्विकली इस लॉज के अंदर का एक टूर आपको करा देता हूँ। ज़्यादा मैं जो है कोई स्टेट एजेंसी नहीं चलाता था, इतना अच्छा बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हम जो यहाँ पे रुकने वाले हैं उसमें एक डबल बेड है, ये क्या है, वॉशरूम है, स्टडी टेबल भी रखी हुई है, आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं आके, टीवी लॉन्च है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, या इसको आप ड्राइंग रूम कह लें, गेस्ट रूम कह लें। एक और रूम है डबल बेड के साथ, डाइनिंग हॉल है, सोलर पे यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, बिजली तो है नहीं इधर, एयर थोड़ा सा झाड़ना पड़ेगा वरना ये हमारे साथ चिपक जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ ठंड हो रही है इसलिए मैं पहले से ही स्वेटशर्ट पहनाया था। रात में जिस वक्त यहाँ हम कुकिंग कर रहे होंगे ना, जो ठंड होने वाली है ना, क्योंकि अभी ये मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जा रहा है। शरीफ मुझे ये बताएं कि जो इस वीडियो को लाइक ना करें उसको ना लाइक कह सकते हैं? नहीं यार ऐसे नहीं, व्यूवर्स हैं यार ऐसे नहीं कहते। जॉन हमारे कुछ साथी हमसे बिछड़ गए, चलो ढूंढते हैं। जिंदगी में अक्सर दो रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट और एक स्ट्रेट, ये तो तीन हो गए। खुर्रम भाई कह रहे हैं कि शेर वेर नहीं है यहाँ जंगल में, वरना गाय को खा लेते हैं, इन्होंने देखा है वहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक में। भाई ये कि हम नाकाम हो गए, ये लोग जंगल में बहुत दूर निकल चुके हैं, और मैंने खुर्रम को कहा मुझे इससे क्या, और वो वापस जाके अपने लॉज में बैठेंगे, दोबारा से चाय पियेंगे, जब ये लोग आ जाएंगे तो देख लेंगे क्या शुरू किया। ये हमारे खाने का सामान है, चिकन आ गई, चिकन अभी जिंदा है, इसको ज़िबा करेंगे, बाकी देखची चाहिए थी वो मिल गई और सामान आ गया। यार मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया यार, ज़बरदस्त। मलिक साहब ज़िबा कर देनी है बस, ये देसी और मिस्री हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये गलेंगी नहीं, जिस टाइप का खाना हम बनाने वाले हैं। भाई मोहसिन खान है और ये फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ पे क्विकली इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जी मोहसिन भाई कहते हैं ये कि ये सबसे बड़ा मैनमेड जंगल है सिंध का, क्या ये सही है? बिल्कुल सर। इसका रकबा कितना है? इसका सर 5,000 एकड़ है। और यहाँ पे किस टाइप के दरख्त हैं और जानवर हैं? पर जानवर जो हैं सुअर है, हिरन है, खरगोश है। लाओ ना छुरियाँ, किधर है? इसको काटने का इंतजाम करते हैं भाई। भाई मेन्यू बता दें, मुझसे सबर नहीं हो रहा है। एक को कुछ मटके के अंदर कढ़ाई बनाते हैं, जो कि शायद हम उसको गड्ढे के अंदर ही बना रहे होंगे। ओए होए, दो होल चिकन जो है इनको मसाला लगा के और उसके बाद उसको भी मट्टी के अंदर दबा के तो बना रहे होंगे। तो दो चीजें नाम बाद में सोचेंगे, क्या पहले बना आइटम ये बनाते हैं। तो हमने सुना मलिक अखलाक कह रहे हैं कि पहले खाना बना लेते फिर नाम रख लेंगे, ये सुनी भी लग रही है ये बात की। ऐसा क्यों, मैंने तो कभी नहीं देखा। सर पानी नहीं है तो थोड़ा सा गीला करने के लिए। पानी पानी है भाई, यहाँ ट्यूबवेल डाल दिए। ये यहाँ का बदमाश सांस फूल जाएगी लेकिन इनको पकड़ नहीं पाएंगे। अमर भाई अमर भाई अमर भाई वापस आए जंगल से। अमर भाई क्या खबर लाए? जी 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 जंगल से वापस आ गए और बहुत जबरदस्त लगा हमें जंगल, और जो गाइड हमें जिस जगह लेके गया था बड़ी बेहतरीन जगह थी। लगता है कि गड्ढे में जाके ना ये फट ना जाए, तो एहतियाती तौर पर लेप लगा रहे मिट्टी का। धुल गए ये दो चिकन जो है ना, इसको हम गड्ढा चिकन बनाएंगे, यानी गड्ढे में डाल के कुछ दम पुक टाइप पता नहीं क्या करेंगे। तो खाना बनाने के लिए हम गड्ढा करवा रहे हैं, आप समझ लो एक वो मटका जाएगा, मटका अंदाजा करो कितना होगा। बाकी यार बटर पेपर ले आए, ये रही दो लागर मुर्गियां। लागर नहीं है बेचारी बीमार है। मुझे लगता है कि जब हम आग जलाएंगे एक पूरी कोयलों की दहकती हुई की लेयर नीचे आ जाएगी, उसके बाद हमने जो भी फॉइल पेपर में या मटके में बनाया है वो इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा इंतज़ार करेंगे पूरी कोयले बन जाए, उसके साइडों में भी डाल देंगे। अभी सर्दी भी बढ़ती जा रही है और खतरनाक जानवरों की आवाज़ आ रही है, फिलहाल तो कुत्ते भाई नाराज हो गए।
हमने ना बेसिकली एक लेयर की बजाय दो लेयर कर दी है। जब मैं अफगानिस्तान के जंगलों में था, अफ्रीका के साइड में, नॉरेशिया के बाद, तो हम एक फॉइल में डालते थे, ठीक है। अभी हमने दो फॉइल कर दी है, अब देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान में जंगल है, अफगानिस्तान में बहुत जंगल ही जंगल। ये रहा माल, इसको दफनाना है। सर देखिए, मैं ये अर्ज फरमा रहा हूँ कि ये जब कोयले बन जाएंगे तो उस पर हम अपना सारा सामान रखेंगे, पत्ते डालेंगे, मट्टी डालेंगे और इसके ऊपर बॉन फायर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद दो घंटे बाद निकालेंगे इसको, दोनों को जो हुआ दोनों साथ निकालेंगे, फिर जो हुआ झूले ला। गरम कर रहा जबरदस्त यार, गाने से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, मजा इसका अलग है यार। भाई देखे, जोक सपाट गलती से भी इसमें नहीं गिर जाइएगा आप लोग। 200 चिकन ऑयल में लपेट के रख रहे हैं भाई, ये इसके ऊपर मट्टी डालो। क्या नाम है उसका? कुछ तो कर रहे हैं ये लोग आज। क्या इस जहां में, और बेसुरी आवाज में आपको गाने से एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। मैंने आग लगानी है, लगा के फैलानी उसे आग। खाना तो बिल्कुल इसके अंदर जा चुका है। मलक साहब, 9 बजे से पहले नहीं निकालना है बस। 9 बजे डन हो गया, डन हो गया। ने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था, और बेसुरी आवाज में आपको गाने सुनाए। वाह वाह, क्या बात है यार। आहिस्ता आहिस्ता ना आप लोगों ने इसको खड्डी कबाब कर दिया। हट जाओ सब पीछे, 9:13 हो गया। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई निकालो, निकालो इसको, निकालो। हमारे जेल में सुरंग। आर्या आर्या आर्या, बाहर आ गया, आ गया। थोड़े फॉइल तो नहीं जली। अहमद भाई के जोक सुन सुन के चिकन वैसे ही पक गया था। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, वो ठंडी मिट्टी कोई गलत नहीं हुआ। खजाना मुबारक हो, एक चीज तो पक गई, एक चीज तो पक गई, मुबारक हो। क्या ओ यस यार, खामा खाई में शक कर रहे थे तुम लोग, कच्ची है यार, अदो यार। वेव वेव साइन वेव यार, मुझे लगता है 93% तैयार है ये। 93.6 ये मेरा भाई वापस गया, रिवर्स गया। मर भाई तो इतने मजे ले लेके खा रहे हैं कि उनके समझ नहीं आ रहा वो क्या खा रहे हैं। ये देखें, ये खुर्रम को इतना पसंद आ रहा है, इतने बड़े चमचे से खा रहे हैं। और बोलो चेरी भाई, ये क्या चाइनीज पुलाव खा रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छी सफेद सफेद दिख रही है, चाइनीज तंबुक नाम है ये। गड्ढा चिकन, वड्डा चिकन सब फुजूल में, इसका नाम है चाइनीज तंबुक। डन हो गया यार। जी चेरी भाई, वन वर्ड फॉर दी फूड। जी, खाना जो था वो फुल ऑप्शन था, फुल ऑप्शन, फुल ऑप्शन। पर भाई सर बेहतरीन था सब। आप मलिक भाई, खाने के बारे में एक ही बात बोलूंगा कि ये दो तरह का होता है, ठीक है, 10 और 90, ठीक है। तो 10% हमने पका लिया था, अब 90 पे तो भाई बहुत मजा आया, सुभान अल्लाह। सब मिलके बोलेंगे भाई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोएंगे आराम से, चाय बन रही है, असली वाली चाय बना रहे हैं भाई। रात में वॉक पे निकले, तकरीबन 12 बज रहे हैं। ये खुर्रम भाई को डर लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ गार्ड लेके जा रहा है। ओए गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बारिश हुई है रात में, ज़्यादा नहीं हुई है। रात खाना खा के और जो है ना फिर वॉक करने निकल गए थे हम लोग अंधेरा गुप्त जंगल में, और उसके बाद इतनी बातें की है और बातें करते करते सो गए। बस सोचा ये था फजर पर उठेंगे और फिर से जंगल में घूमेंगे। अमर भाई अपने गियर्स के साथ और अपने कैमोफ्लाज अटायर के साथ बर्ड्स वगैरह शूट करना चाहते हैं। फॉगी फॉग है पूरे जंगल में, इस साइड भी, इस साइड भी, और जिस तरफ हम जा रहे हैं इधर भी। ये सेंचुरी में हिरन है, पता नहीं किधर छुपे हैं। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, पौने इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे। हम जा रहे हैं बेसिकली ये जो एरिया है जहाँ होते हैं काले हिरण, तो जाहिर इंसान जहाँ होते हैं वो वहाँ से रिपेल होते हैं, दूर जाते हैं। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी की कि हमारे अहमर भाई और शहरियार वहाँ कैमरा लगा के बैठेंगे और हम जा रहे हैं दूसरी साइड, ताकि उनसे रिपेल होके अगर वहाँ जाते हैं तो हम बातें करें और वो वहाँ से भाग के इस तरफ आए, तो शायद कोई चांस है
उनको कवर करने का। ये बड़ा ना पेशेंस वाला काम है, घंटों बैठना पड़ता है। ये एक डिफरेंट वॉक है, ये आज तक कभी नहीं की भाई जंगल में फॉग के साथ, और बूंदे पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता बरसात की। ओहो अहमर भाई बैठे धाक लगा के। अहमर भाई आप क्या कह रहे हैं, बारिश ने काम खराब कर दिया? हाँ, जिस वक्त वो ब्लैक बॉक्स हमारे सामने निकल के आना शुरू हुए तो फोकस में तो नहीं आए थे, लेकिन इस तरफ चलते हुए आ रहे थे तो सब ड्रिजलिंग शुरू हो गई तो कैमरे छुपाने पड़े। बारिश में एक अलग यहाँ पे समा हो गया, लेकिन इसका एक नुकसान भी हो गया कि जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ, क्योंकि परिंदे और जानवर जो है वो तो छुप गए बारिश की वजह से। तो जब बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी धूप निकलेगी, तब वापस आके कुछ बनाते हैं, अगर बना सके। करम भाई कह रहे हैं मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि नाश्ता करने चलते हैं। देख रहे हैं हम लोग सामने N5 का अगर नाश्ता करने को मिल जाए, हालांकि लॉज पे सब कुछ मौजूद है हमारे, लेकिन बस है बरसात में सब चेंज कर दिया। नाश्ता ऑर्डर कर दिया और ये खुरम भाई को ठंड लग रही है, इतनी मेहनत से बना रहा है वो नाश्ता जितनी मेहनत से हमने कल रात खाना बनाया। जिस स्पीड से लोग निकाल रहे हैं और जितने इंतजार के बाद आए, वीडियो नहीं बनती नाश्ता बनता है। ओ पाई जान पाई फॉरेस्ट। दूसरी बात ये है कि आप वॉक इन यहाँ पे आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रात में रुकने का सीन इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमारा काम ये है कि सिंध की जो इस तरह की जगह हैं इनको प्रमोट करना है, तो हमने स्पेशल परमिशन ली थी RFO या DFO से, और उसके बाद हम कल रात यहाँ पे रुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि पाई फॉरेस्ट की इस लेवल की कोई भी वीडियो इस वक्त YouTube पे मौजूद है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। धूप भी निकल आई है और अब हम जा रहे हैं केज में। ये आ गया बक्स वाली जगह पे, पूरी पूरी फैमिली। हमारा ऑलमोस्ट वापसी का इस वक्त सफ़र है। पाई फॉरेस्ट के जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे जो यहाँ का स्टाफ है, गाइड्स हैं, यहाँ पे जो गार्ड्स हैं, यार इनका बिहेवियर ऑसम है और ये आपको फुली एंटरटेन करते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। और जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी।